हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सूरज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद ऐसी 3 गलतियां कौन सी है जिनको नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दोस्तों हम आप सबको बताएंगे कि 3 गलतियां ऐसी जिनको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको टेक से जुड़ी वीडियो मिल जाएंगी एंड दोस्तों आगे भी आपको नए नए टॉपिक की वीडियोज मिलती रहेंगी। तो गाइस, चले चलते अपने टॉपिक को बिना कोई देरी कि एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कितना मेहनत करने के बाद, कितना परिश्रम करने के बाद हमारा जब मोनेटाइज इनेबल किया जाता है तो गाइस हम कितने खुश होते हैं, सोचते हैं चलो अब पैसे कमाने की बारी आ गई, अब अर्निंग होगी। गाइस, मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी गलतियां जिनको नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट गलती ये है, जब आपका YouTube चैनल चला जाए रिव्यू में, गाइस रिव्यू में होने के बाद जब आपका चैनल वापस आता है, मोनेटाइज इनेबल हो के आता है, तो उस टाइम आपको अपना वीडियो नहीं देखना है। गाइस ध्यान से सुनिएगा, उस टाइम आपको अपना वीडियो नहीं देखना है। गाइस, बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं कि अपना वीडियोस अपने ही यूट्यूब एप्लीकेशन से देखते हैं। तो गाइस, अगर आप अपना वीडियो देखते हो तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गाइस, अगर आपको अपना वीडियो देखने का बहुत मन कर रहा है तो आप एक और जीमेल अकाउंट बनाओ, उससे देखो। उस जीमेल से आप मत देखो। अगर आप उस जीमेल से देखते हो तो गाइस आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके चैनल पर अर्निंग नहीं होगी। गाइस, ये पहला गलती आपको नहीं करनी है। आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पहला गलती आपको कभी नहीं करनी है। एंड दोस्तों, दूसरा गलती ये है, जब हमारे यूट्यूब वीडियोस पर एड्स दिखाए जाते हैं, जब हमारा मोनेटाइजेशन इनेबल हो के आता है तो गाइस उस टाइम कुछ एड्स दिखाए जाते हैं। गाइस, जैसे कि हमारे वीडियोस पर एड्स जब दिखाए जाते हैं तो गाइस उस एड्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। गाइस, अगर हम अपने यूट्यूब एप्लीकेशन देखते हैं तो गाइस ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको दोस्तों अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पर अपना वीडियो तो देखना ही नहीं है एंड दोस्तों आपको वो वीडियो नहीं देखना है जिस पर एड्स दिखाए जाते हैं। तो गाइस क्या करते हो आप कि आप दूसरे के फ़ोन से देखते हो। गाइस, उसी मतलब कि एड्स को आप कई बार प्ले करते हो देखने के लिए। गाइस, सोचते हो कि इससे हमारा अर्निंग बढ़ जाएगी, तो गाइस आप ये भूल कर रहे हो। गाइस देखो, जितना मतलब कि तय किया गया है उतना ही अर्निंग आपको मिलेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं उससे ज़्यादा कमा लूँ मतलब एक ही मतलब एड्स से, तो गाइस बड़ी गलती करते हो। आपको जो एडसेंस अकाउंट है गाइस वो महीना भर के लिए डिसेबल हो जाएगा। अगर दोस्तों आप नहीं मानते हो, आप फिर भी गलती करते हो, तो गाइस आपको जो एडसेंस अकाउंट है वो 6 महीने के लिए डिसेबल हो जाएगा। अगर गाइस वो 6 महीने के लिए डिसेबल हो गया तो गाइस आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये था दूसरा गलती, आपको ये गलती नहीं करनी है। गाइस, आप ये गलती भी मत कीजिएगा। आपको जब आपके वीडियोस पर एड्स दिखाए जाए तो आपको एक ही एड्स को बार बार प्ले करके नहीं देखना है। एंड दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा देखने का मन करा तो आप किसी और मोबाइल से देख सकते हो, लेकिन एकाध बार, ये नहीं कि बार बार उसी एड्स को आप प्ले करो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है, आपका जो मोनेटाइज है वो डिसेबल हो सकती है। एंड दोस्तों, तीसरा गलती ये है, गाइस देखिए CTR ये है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल होकर चला आता है तो गाइस आपके वीडियोस पर व्यूज बहुत कम आते हैं। अगर गाइस आपके वीडियो पर व्यूज कम आ रहे हैं, एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस वीडियो पर आपके व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, एंड दोस्तों और वैसे बहुत से वीडियो हैं जिन पर आपके व्यूज बड़ी कम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जिस वीडियो में व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं उसका आपको एड्स बंद करना है। YouTube स्टूडियो में जब दोस्तों आप जाओगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा एड्स ऑफ, आपको दोस्तों उस वीडियो पर एड्स ऑफ करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो CTR है, आपको जो CPM एंड CTR है वो दोस्तों लेवल पर आ जाएगा। दोस्तों देखिए, आपको 10% से ज़्यादा आपको CTR नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका CTR 10% से ज़्यादा जाता है तो आपका जो चैनल है वो परमानेंटली बंद हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर फिर भी आपके वीडियो से व्यूज कम आ रहे हैं तो उस वीडियो का आप एड्स बंद कर दीजिएगा जिस वीडियो पर आपके व्यूज ज़्यादा आते हैं, जिस वीडियो पर आपके व्यूज मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, 10,000-20,000 व्यूज आ गए हैं एंड दोस्तों उस पर एड्स दिखाए जाते हैं, तो आप उसका एड्स बंद कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका CTR है वो लेवल पर आ जाएगा।
तो दोस्तों ये तीन गलतियाँ ऐसे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों, आपको दोस्तों भूल कर भी ये गलतियाँ मत करना। एंड दोस्तों अगर आप ये गलतियाँ करते हो तो आप अपने चैनल को खो दोगे हमेशा के लिए। जब आपका मोनेटाइज इनेबल हो जाए तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है गाइस, आपको अपना मतलब कि चैनल को आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको अपना एड्स नहीं देखना है। एंड दोस्तों अगर आपके वीडियो से व्यूज कम आते हैं तो आपको उन वीडियो का एड्स बंद करना है जिन पर व्यूज ज़्यादा आते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर आपको टैग से जुड़ी वीडियो मिल जाएंगे। एंड दोस्तों आगे भी आपको नए नए टॉपिक वीडियोस मिलते रहेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।